शिमला के लक्कड़ बाजार में भारी बारिश के दौरान पेड़ गिर गया। इस दौरान रास्ते से गुजर रही महिला और बच्चा पाल पाल पेड़ की चपेट में आने से बचे हैं। वहीं अधिक जानकारी देते हुए रजत सिंह गुलाटी ने बताया कि पिछले साल हुई बारिश के दौरान भी नगर निगम और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में शिकायत दी गई थी कि जो जो पेड़ खतरे की निशानी में है उन्हें कटवा दिया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने इस पर कोई कदम नहीं उठाया। खबर ये है कि कई दिनों पहले हम रजत है, रजत सिंह गुलाटी। ये लक्कड़ बाजार की घटना है। हमारे यहाँ पे दुकान है, मेरा होटल है सामने, उसके सामने पेड़ गिरा है। पिछले साल जब बहुत बारिश हुई थी हमने तब से कंप्लेंट दी हुई है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एमसी में एसडीएम साहब सबसे मिल चुके हैं। जब इन्होंने पेड़ कटिंग के लिए ऑर्डर दिए थे कि जो जो पेड़ खतरे में है उनको कटवा सकते हैं, तो फाइनली इन्होंने नहीं करी थी दुकान। हमने कहा था कि ये दो तीन पेड़ है, इनको आप काट नहीं सकते तो हल्का कर दो ताकि अगर ये बाई चांस गिरे तो नुकसान कम हो। अब आपके सामने है, यहाँ पे एक बच्चा प्राइम में था और एक उसकी मेरे ख्याल मदर थे साथ में, मतलब मरते मरते बच्चे हैं। अगर ये बिजली की तार यहाँ पे ना होती तो वो और बुरी दुर्घटना होनी थी, है ना। तो अब उनसे यही गुजारिश है कि ये तो आप उठाओगे, साथ में जो दो पेड़ और हैं जो उसी के साथ हैं उसको ठीक करें। प्लस यहाँ पे ऊपर से जो पानी का फ्लो है बंद है, नाले नूले सब बंद है, बरसातों में किसी ने चेक नहीं करा हुआ, ऊपर नाले बंद है। यहाँ पे सारे मार्केट वालों के घर हैं, उनके पीछे से सारे नाले साफ़ होने वाले हैं, जो आज तक मेरे ख्याल से हाथ नहीं लगाया, कोई देखने नहीं जाता जी। कोई आप किसी की भी बात कर लो, कोई एमसी की तरफ से वो नालों को देखने भी नहीं गया होगा। अभी तक तो हटा नहीं थी, अभी तक तो हटा नहीं। अब एम्बुलेंस के लिए तो जल्दी हटाएंगे, मान लो एम्बुलेंस रोड नहीं होती तो ये पड़ा रहता है यहाँ पे, अब तो हटेगा जल्दी, है ना। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।